जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे स्टडी करना है, खासतौर से सैग के बारे में, सैग और टेंशन। तो सैग के बारे में जो डिप्लोमा वाले इन्होंने तो पढ़ा होगा। तुषार क्या बोलते थे सैग को हिंदी में? झुकाव सर झुकाओ नहीं बोलते, झोल 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 झोल। ठीक है, तो ये डिप्लोमा वालों ने पढ़ा हुआ भी है चीज़ें, तो उनके लिए इजीली समझ में आ जाएंगे। झोल ठीक है, तो इसको बेसिकली झोल बोला जाता था। अब जो झोल होता है, झोल का मतलब क्या है या सैग का मतलब क्या है, बेसिकली कि जब हमारा हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हुए ये देखा जाता है कि जो लाइन हमारी दो टावर के बीच में कनेक्ट की जा रही है, उसके बीच में हम उसको कितना लटका के छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल टाइटली आप उसको टाई कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो सकता है, वो सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता उसके बारे में भी बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि देखिए, जब हमारा वो टेम्परेचर है बहुत वेरिएबल है, सर्दियों में टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री के आसपास भी चला जाता है, ठीक है, और गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 48 तक भी चला जाता है। तो ये हमें पता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है जनरली, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम मेटल है वो टेम्परेचर के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सट्रैक्शन होता है वो होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी जो वायर है उसकी लेंथ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये किसके माइक ऑन है, किसी का क्या है, एक सेकेंड, हेलो आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ठीक हाँ सर आ रही है, है ठीक है ठीक सर आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वायर की जो लेंथ है वो बढ़ने लगती है। अगर आपने उसको पूरी तरह से टाइट बांधा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लटकनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सर्दियों के टाइम में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होगी। अगर आपने उसको पूरी तरह टाइट बांधा हुआ है तो क्या होगा, उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपकी वो वायर की लेंथ कम होगी, वायर सिकुड़ेगी आपकी, तो क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि वायर आपकी टूट जाए या वहाँ पर टेंशन क्रिएट हो, टावर पर कोई फर्क पड़े। तो हम क्या रखते हैं कि जो लेंथ होती है वो इस तरह से रखते हैं कि गर्मियों में अगर वो बढ़े तो बढ़ने पर वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो अर्थ के बहुत पास पहुंच जाए, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड के लेवल के बहुत नज़दीक पहुंच जाए, और इतनी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी टाइट भी नहीं होना चाहिए कि सर्दियों में वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर के टूटने का खतरा बन जाए। तो इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा, आपने देखा लाइन झूलती हुई सी जाती है, एक कर्व सा बनाती हुई जाती है, ठीक है, उस कर्व को हम बोलते हैं कैटेनरी। ये जो कर्व बनता है इस कर्व को बोला जाता है कैटेनरी कर्व, ठीक है। तो इस कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कर्व की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कितना सैग हमें रखना चाहिए, कितनी टेंशन हमें रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह टाइट करोगे तो टेंशन पे भी फर्क पड़ता है कि टेंशन कितनी होगी। अगर टेंशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो इंसुलेटर पे भी फर्क डालती है, जो आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं वो भी टूट सकते हैं क्योंकि उन्हीं से जुड़ी होती है अल्टीमेटली, और जो आपका कंडक्टर है उस पर भी इफेक्ट आता है। तो बेसिकली सैग के बारे में पढ़ते हैं हम। सैग क्या है? द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। जब कंडक्टर आपका हैंग कर रहा है तो हैंग करते हुए उसका कहीं तो लोएस्ट पॉइंट आ रहा होगा, उस लोएस्ट पॉइंट और जो आपकी लेवल है, जो हमारी सपोर्ट्स लगी हुई, जो टावर हमारे हैं, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है सैग। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिया कि मिनिमम या मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, हम ना तो उसको बहुत ज़्यादा रखते हैं ना ही बहुत कम रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रखने से क्या होगा कि ये गर्मियों में ग्राउंड के बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी, और बहुत ज़्यादा रखने से क्या होगा कि सर्दियों में इसके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बाकायदा, और इसको जितना सही होता है उतना हम इसको रखते हैं। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे सैग की तो दो फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। दो फैक्टर क्या क्या होंगे कि जो सपोर्ट्स हैं, जो टावर हैं आपके, या तो वो इक्वल लेवल पर होंगे। भाई जनरली जो हम जैसे प्लेन की बात करते हैं, जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे मेरिट की बात कर रहे हैं या प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में देखो 2-4 मीटर का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही लेवल पे माने जाते हैं, तो वो सब कहलाते हैं कि वो हमारी इक्वल लेवल पे सपोर्ट्स है। टावर जो है वो इक्वल लेवल पे है, इक्वल हाइट के टावर हैं, इक्वल लेवल पे है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे चलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जैसे हिल एरियाज है, जहाँ पहाड़ों पर आप देख रहे हो ट्रांसमिशन लाइन जाती है, तो कोई तो बॉटम में लगा हुआ है, तलैटी में आपने टावर लगाया, कोई टावर आपका दूसरा टावर पहुंच गया टॉप पे, ठीक है, तो उनके लेवल में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो दो तरह से सैग कैलकुलेट की जाती है। अगर हमारे पास सपोर्ट जो है, जो टावर्स हैं,
वो अगर इक्वल लेवल पे लगे हुए हैं तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारे जो टावर्स हैं उनका लेवल इक्वल नहीं है, अनइक्वल लेवल्स पे लगे हुए हैं, तब हम सैग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा हैवी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है। हैवी डेरिवेशन भी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल से काम चल जाएगा आपका। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आता है, हर एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक से यही एक क्वेश्चन बनता है, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरे चैप्टर से। तो अब बात करते हैं, ये देखिए, ये अगर आपकी सपोर्ट है, ये आपका टावर है सपोज, ठीक है, ये हमारा टावर है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा इस कर्व का लोएस्ट पॉइंट है, और ये हमारी सपोर्ट है, जो टावर जहाँ से हमारा कंडक्टर बंधा हुआ है। तो इस टावर जहाँ से कंडक्टर बंधा हुआ है और जहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है इसके कर्व का, जो ओ पॉइंट है, इसके बीच जो डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी सैग एस, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि सैग को कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखिए, अगर हमारी जो सपोर्ट है वो इक्वल लेवल पे है, तो सीधी सी बात है, ये जो ओ पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में आएगा, अगर जो हमारी सपोर्ट है वो इक्वल लेवल पे है। यही डिफरेंस है, जब इक्वल लेवल पे नहीं होगी तो ये मिडिल पॉइंट पे नहीं आएगा। अभी चूंकि ये बिल्कुल मिड पे है, ठीक है, जो इक्वल सपोर्ट है हमारी, इक्वल हाइट है हमारे टावर्स की, तो ये जो पॉइंट आएगा ये मिडिल में आएगा। अगर ये मिडिल में आएगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, जो दो टावर है ए और बी, इन टार के बीच में जो लेंथ है वो एल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है ये एल बाई टू पे होगा ए से, और एल बाई टू पे ही होगा बी पॉइंट से, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि एल लेंथ ले ली पूरी इसकी, ठीक है, ये एल लेंथ हमने ले ली, हमने एक वेट लिया भैया, जो कंडक्टर है इसका अच्छा खासा वेट होता है, और वेट हमेशा किधर की तरफ काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता है एम जी, ठीक है। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, पर यूनिट लेंथ हमने वेट लिया है, और टी जो है वो हमारी टेंशन है कंडक्टर में, ठीक है, टी हमारी टेंशन है कंडक्टर में, सपोज वो हमने इस तरह से शो किया, ये हमारी टेंशन है, ठीक। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, और ये पॉइंट पी जो है हमारा, ये लोएस्ट पॉइंट ओ है, ठीक, कोऑर्डिनेट हमने ले लिए पी के, कि जो पी पॉइंट है इसके जो मिनिमम लेवल है, हाँ ठीक है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से वाई की हाइट पे है, ये जो हाइट है ये वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जो कर्व है, यानी कि ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व आपका दिखाई दे रहा है, इसका वेट हमने मान लिया डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू एक्स हमने इसका वेट मान लिया, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पे दो फोर्स काम कर रहे होंगे, जो हमारा ओपी पोर्शन है, इस ओपी पोर्शन पे हमारे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक जो कि ये फोर्स हमारा डाउनवर्ड इसको लेके जा रहा है, जो कि हमारा वेट की वजह से है, दूसरा इस पे टेंशन जो इसको इधर लेके जा रही है, ठीक है। तो दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं फिलहाल, कौन कौन से, एक तो इसका वेट और दूसरी टेंशन, दो फोर्स इस समय पे इस पोर्शन पे काम कर रहे होंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंटल लेंथ ली है, ठीक है, एक्स। अब दो फोर्स की बात हमने कर ली, एक तो वेट काम कर रहा है, दूसरी टेंशन काम कर रही है इस पे, ओ पॉइंट पे टेंशन हमारी इधर की तरफ जा रही है। अब मूवमेंट को आप इक्वेट कर लीजिए, जो मूवमेंट होगा इस ओ पॉइंट पे, ठीक है, वो कितना होगा, टेंशन इंटू जो आपकी वर्टिकल लेंथ है कितनी, वाई, तो टी इंटू वाई, ये तो हमारे हो गया ओ पॉइंट पे टेंशन की वजह से जो मूवमेंट बना, दूसरा वेट की वजह से जो मूवमेंट बनेगा, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स तो हमारा डाउनवर्ड काम कर रहा है, इंटू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मूवमेंट कितना हो गया इस पॉइंट पे, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, ये हमारा मूवमेंट आ गया दोनों पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे वाई, ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टी, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया अपॉन टू इंटू टी, तो ये हमारा वाई का फॉर्मूला आ गया, जो वर्टिकल डिस्टेंस थी हमारी, जो मिनिमम पॉइंट था। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेग निकालना है एस, सेग अगर एस निकालना है तो सेग के लिए जो एक्स है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हमें पॉइंट एस निकालना है तो जो एक्स है हमारा, ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू, तो अगर हम एक्स को एल बाई टू रख दें, समझिए, अगर मैं एक्स को एल बाई टू रख दूँ तो मेरा जो वाई है वो क्या बन जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक्स को क्या रखना है, एल बाई टू रखना है, तो एक्स की जगह मैंने एल बाई टू रख दिया, ठीक है, और मेरा जो वाई था
ये वाई मेरा क्या कहलाएगा अब, एस, क्योंकि मेरी जो डिस्टेंस थी वो एक्स से बढ़ के कितनी हो गई, एल बाई टू हो गई। तो ये मेरा जो फॉर्मूला आता है सेग का, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 × 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेग। यही आपका काम आएगा सारी की सारी कैलकुलेशन करने में, जब आप सेग के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये है जब सपोर्ट आपकी इक्वल लेवल पे है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भी। ये टेंशन का फॉर्मूला दोबारा बताना। टेंशन का फॉर्मूला नहीं है, मूवमेंट का फॉर्मूला है। टेंशन तो फोर्स है, ये तो मूवमेंट है। देखो टेंशन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, टी, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई। ठीक है, तो टी इंटू वाई। सिमिलरली जब हम उसके दूसरे फोर्स के लिए निकालेंगे तो दूसरा फोर्स कैसा, वर्टिकल फोर्स है। अब क्या फोर्स वर्टिकल है, पहले फोर्स हॉरिजॉन्टल था, तो वर्टिकल फोर्स डब्ल्यू एक्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो मूवमेंट होता है। अगर फोर्स ऐसे है तो डिस्टेंस आप ये वाली लोगे, और अगर फोर्स आपका ऐसे है तो आप डिस्टेंस जो लोगे या तो ऊपर की तरफ लोगे या नीचे की तरफ लोगे। ठीक है, तो हमारा जब फोर्स था ये हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ काम कर रहा था, तो हमने वर्टिकल डिस्टेंस ली वाई। ठीक है, तो टी इंटू वाई। जो वेट है हमारा वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, यानी कि वर्टिकली काम कर रहा है, तो हमने डिस्टेंस ली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितनी ली, एक्स बाई टू, ये वाली डिस्टेंस ली हॉरिजॉन्टल। तो ये कहलाता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट हमारा, क्योंकि मूवमेंट ओ पॉइंट पे निकाल रहे दोनों पे, जो दोनों फोर्स हैं उनसे मूवमेंट जो निकल के आएगा वो इक्वल आएगा, इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है। तो जो इक्वेशन है ये मूवमेंट की इक्वेशन है, किसी फोर्स की इक्वेशन नहीं है। यहां से हमने वाई को कैलकुलेट किया। ठीक है, और बताओ। क्लियर है? हाँ बेटा। सर जैसा हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं, जो हमारी रेलवे लाइन होती है, तो रेलवे लाइन के वायर्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, तो क्या वो भी एक सैगी होता है उनका वायर का? ऊपर नीचे होते हैं, मैं समझा नहीं सर। क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि जो जो लाइन जाती जा रही होती है ना, वो टर्न अप बहुत हो रही होती है, कोई चीज ऐसा लगता है कि डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, कुछ अपवर्ड की तरफ, तो वो सर सैगी होता है या कुछ और होता है? नहीं नहीं, सैग नहीं होता वो। देखो सैग क्या है बेसिकली, जब हमारी सपोर्ट, आप अगर ध्यान देंगे तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इनकी जो टावर होते हैं ना वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, डिस्टेंस ठीक ठाक होती है ना, एक टावर से दूसरे टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो सफिशियंट होती है, तो उसमें सैग देना जरूरी होता है क्योंकि वो काफी लंबाई है उसकी लेंथ। लेकिन जो रेलवे के टावर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक उनके सपोर्ट लगी होती है। अगर आप उनके टावर को देखोगे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होती है, तो उसमें क्या है, सैग तो होता है लेकिन वो इतना होता है कि आपको वो विजुअलाइज होगा भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइट रहता है, तो वो एक अलग चीज है। ऊपर नीचे का मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने जितना देखा है ऊपर नीचे तो नहीं होते, वो एक ही लेवल पे होते हैं। हो सकता है तुम्हारा ध्यान गया हो कहीं पे ऊपर नीचे होने का। ठीक है, क्योंकि वो तो उसमें स्लाइड करके चलता है, स्लाइडर लगा होता है, वो एक अलग चीज है उनका कंसेप्ट जो है वहां, वो सैग से उसका कोई लेना देना नहीं है। सैग तो केवल इसलिए दिया जाता है कि अगर टेम्परेचर आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो टेंशन की वजह से इतनी टेंशन क्रिएट ना हो जाए कि वो वायर टूटने का खतरा हो। ठीक है, बाकी इसका कोई और रोल नहीं है सैग को कैलकुलेट करने का, इसका इलेक्ट्रिकली कोरिलेशन है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये मैकेनिकल डिजाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया मैकेनिकल डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का पार्ट हो सकता है, वो मैं देख के बता पाऊंगा आपको कि क्या चीज आप पूछना चाह रहे हो अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, क्योंकि मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया कभी कि ऐसा कुछ भी होता है रेलवे की लाइन पे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी कि जब, हाँ ठीक है, ये बात हुई हमारी कि जब हमारी सपोर्ट जो है दोनों सपोर्ट वो इक्वल लेवल पे है। अब देखो ऐसा हर समय पॉसिबल नहीं होता, ज्यादातर जो आपके हिल एरियाज है वहां पे क्या होगा, अक्सर आपको सपोर्ट अनइक्वल हाइट पे मिलेंगे, और जब अनइक्वल हाइट पे सपोर्ट होती है तो ये जो मिडिल पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट यहाँ बिल्कुल मिड पे नहीं आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो हम अभी इसी की बात करते हैं कि जब सपोर्ट हमारी इक्वल लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सपोर्ट हमारी यहाँ है, दूसरी सपोर्ट हमारी यहाँ है। ठीक, अगेन द लेंथ ऑफ लाइन इज एल, लेंथ में हमने कोई डिफरेंस नहीं लिया, लाइन की लेंथ हमारी एल है, जो लोअर हमारी सपोर्ट है ये ओ पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा नेचुरल है। आप करके भी देखेंगे, अगर आप कोई वायर को इस तरह से हैंग करते हैं बिटवीन टू सपोर्ट्स, और जिस तरफ आपका लोअर लेवल होगा ये बीच वाला पॉइंट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा वो झुक रहा होगा, तो ये ओ पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं जो लोअर सपोर्ट है उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां से डिस्टेंस मान लिया कि ये जो ओ पॉइंट है इसकी ए से डिस्टेंस एक्स वन है और ये एक्स टू है। पहले क्या था, ये एक्स बाई टू थी, दोनों इक्वल सपोर्ट आ रही थी,
ठीक है, अब की बार x1 और x2 अलग अलग है, x1 कुछ और है, x2 कुछ और है, ठीक है। x1 को हमें नहीं पता कि x1 कितना, लेकिन इतना हम कह सकते हैं बिना सोचे कि भाई x1 हमारा कम होगा, x2 ज्यादा होगा। ये चीज तो हमें विजुअलाइज हो रही है और ये प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को देख भी सकते हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये जो लोअर पॉइंट है इसकी ए से डिस्टेंस कुछ और होगी और बी से डिस्टेंस कुछ और होगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा सैग होगा वो हमारा ए पॉइंट से कुछ और होगा और बी पॉइंट से कुछ और होगा। तो ए पॉइंट से जो सैग है वो तो हमने मान लिया S1। भाई हम सैग कैसे कैलकुलेट करते थे, जो हायर एंड सपोर्ट है हमारी, जहां से कंडक्टर बंधा हुआ है, यहाँ कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टर से लोएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम काउंट करते थे। तो इधर तो कम होगी S1, इधर ज्यादा हो जाएगी S2। S2 इज ग्रेटर देन S1, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डाउट है तो यही बता दो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में S2 और S1 के बीच का जो डिफरेंस है, ये दिस इज नोन एज द हाइट बिटवीन द टावर्स, यही आपकी हाइट होगी टावर के भी बीच की। यानी कि ये जो लेवल का डिफरेंस है ना, ये यहां से शुरू है, ठीक है, और ये यहां से शुरू है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हाइट का, ठीक है, ये डिफरेंस आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक टावर जो है अगर सपोज वो ग्राउंड लेवल पे है तो दूसरा टावर कितनी हाइट पे लगा हुआ है। तो ये आप एच कैलकुलेट कर सकते हो, ये यहीं से अगर मैं इसको नीचे करता चला जाऊं हाइट को, तो एच हाइट नीचे जाती है, इक्वल लेवल पे आ जाएंगी सपोज। बात समझ में आ रही है? तो ये एच हाइट आपको दिखाई भले ही यहाँ दे रही है, लेकिन ये एक्चुअल में आपकी ग्राउंड लेवल से हाइट है आपकी टावर की, कि कितनी हाइट पे दूसरा टावर लगा हुआ है। तो वो भी आप निकाल सकते हो कि कितनी हाइट पे दूसरा टावर हमने लगाया हुआ है। अच्छा, टी जो होगी वो टेंशन होगी, टेंशन अगेन आपकी हॉरिजॉन्टली वर्क करेगी, और इसका जो वेट होगा अगेन वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। दो चीजें, दो ही वेट, दो ही फोर्स लगते हैं। एक टेंशन जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली काम करती है, और जो वेट होता है आपकी वायर का, जो कंडक्टर है आपका, बहुत भारी कंडक्टर होते हैं, हल्के कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, उनका जो वेट होता है वो भी ठीक ठाक होता है। तो वो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी mg, जो फोर्स लगेगा m into g ड्यू टू मास इंटू ग्रेविटेशनल जो कॉन्स्टेंट है हमारा जी, ठीक है। तो वो वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो अभी इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लेंथ l, a से जो डिस्टेंस है x1, b से जो डिस्टेंस है x2। क्लियर है सबको? डायग्राम क्लियर है क्या हमने किया डायग्राम में? ठीक है, अब डेरिवेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी सेक को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, इस सेक को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो हमें एच मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया कि एस कितना आता था, एस आता था wx2/2t, ये हमने कैलकुलेट किया था अभी, wx2/2t, ये हमारा सेक निकल के आया था, ये जो हमारी वाई निकल के आई थी वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ भी हम निकाल देंगे। तो हमारा s1 कितना आएगा, wx2/2t, s2 कितना आ जाएगा, wx2/2t, ठीक है। तो ये हमारा s1 और s2 निकल के आ जाएगा। ये चीज हमें पता है कि x1 + x2 इज l, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो l के इक्वल होगा। ये बात अलग है कि x1 कम है x2 ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो हमारी टोटल लाइन की लेंथ होगी l, ठीक है। ये जो है ये हमारी l है, तो x1 + x2 = l। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं s2 - s1, जो कि होगा h। तो s2 - s1 जब हम करेंगे तो w/2t x2² - x1² अब इस स्क्वायर वाली टर्म को हम ओपन कर देंगे, तो ये जाएगा x2 + x1 और x2 - x1। सिंपल ओपन करना है और कुछ नहीं, a² - b² का फॉर्मूला है। तो ये जो x2 + x1 है दिस इज l, तो ये तो आ जाएगा l यहाँ पे, और x2 - x1 ये आ जाएगा, ठीक। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई x1 और x2 में। क्या हम इसको, हम ही x1 x2 का h लिख देते हैं, h = wl/2t x2 - x1, और x2 - x1 निकल के आ जाएगा 2t into h, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, upon wl। तो ये इक्वेशन आई बेसिकली हमारी, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है x1 x2 की। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अगर हम ऐड भी कर देते हैं, ऐड करने पे हमें x2 मिल जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x1 मिल जाएगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x1 डिस्टेंस मिल जाएगी, x1 = l/2 - t into h w into l, और x2 = l/2 + th upon w into l।
ये आपको x2 और x1 मिल जाएगा, तो आप ये बता सकते हो कि जो मिनिमम पॉइंट है हमारा ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये जो मिनिमम पॉइंट है हमारा ओ, ये ए से कितनी डिस्टेंस पे होगा और बी से कितने डिस्टेंस पे होगा। और अगर एक बार x1 x2 निकल जाएगा तो आप सैग भी निकाल सकते हो, हालांकि सैग पूछता नहीं है क्वेश्चन में यही पूछता है कि जो आपका जो मैक्सिमम सैग होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा सपोर्ट से, ए से या बी से, जो भी कोई किसी सपोर्ट से पूछना चाहे, तो जनरली ये चीज़ पूछी जाती है। या फिर पूछा जाता है कि एच क्या होगा, हाइट में डिफरेंस कितना होगा। तो इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन में जो आपकी अनइक्वल लेवल की सपोर्ट होती है उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो। सिंपल डेरिवेशन है बहुत, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आराम से हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में, ये भी जान लो। बताइए अगर किसी को डाउट है तो, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, एक मिनट रुकिएगा। हाँ क्विज दे रहा हूँ, क्विज करिए। छोटा सा क्विज है, करना शुरू करिए। 309853, 309853 इज द कोड, कोड मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। सर मेरा नहीं खुल रहा है। हाँ
मेरे नाम से तो और कोई खेल रहा था। अब तो खेल गया हो। अच्छा चलो कोई नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी। प्रेजेंटेशन हो रही है सबको? तो यस सर, ठीक है। देखो सैट के बारे में हम पढ़ रहे थे। सैट हमने लेवल इक्वल लेवल पे भी कैलकुलेट करने किया, फिर अनइक्वल लेवल पे क्रिएट किया और उस पर देखा कि कितनी डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है या जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है ये ओ। अब आप बात करते हैं कि ये बात हुई नॉर्मल कंडीशन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल कंडीशंस ही हमेशा रहती हैं। कई बार क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो आपने देखा हवा में जो आपका कंडक्टर है वो स्विंग करता है, ठीक है, उसका वेट किसी एक साइड में शिफ्ट होता है, तो वो भी एक फोर्स है एयर का भी, या जो विंड का फोर्स है वो भी इस पे एप्लीकेबल होता है। और जो आपके हिल एरियाज हैं या जहाँ पे बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पे आप अगर नोट करें तो कंडक्टर्स पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है कई बार, तो उसका भी इफेक्ट आता है। तो अगर इन दोनों का इफेक्ट को भी कंसीडर कर लिया जाए तो वो क्या डिफरेंस डालता है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट पे क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि तो अल्टीमेटली अगर इस पे बर्फ जमेगी, जब स्नोफॉल होगा, बर्फ जमेगी तो इस कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस, ठीक है, कि विंड और आइस का क्या इफेक्ट है वो आपको समझना है। तो देखिए सपोज अगर ये कंडक्टर है और ये इस पे आइस जमी हुई है, ठीक है, तो अगर कंडक्टर का डायमीटर डी है और इस पे टी थिकनेस की आइस जमा है, ठीक है, दूसरा क्या है कि इस कंडक्टर पे विंड का प्रेशर आ सकता है, तो विंड का प्रेशर तो हॉरिजॉन्टली आएगा जबकि जो आइस का प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि ये वेट की तरह काम करेगा आइस, ठीक है। तो आइस की वजह से वेट आपका बढ़ेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, विंड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हमने वेक्टोरिकली बनाया है, तो ये देखिए ये हमारा विंड का फोर्स है जो वर्टिकली काम सॉरी हॉरिजेंटली काम कर रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टर का वेट W प्लस आइस का वेट WI। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेट होगा WT, ठीक है। अगर हमारी विंड बिल्कुल नहीं होगी तो ये सारा का सारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, तो जो हमारा वेट होगा WT आएगा, ठीक है, ये वाला वेट आएगा हमारा रिजल्टेंट वेट, और ये रिजल्टेंट वेट हमारा किसी थीटा एंगल पे निकल के आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भी कि कौन सा वेट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जो आइस का वेट होगा वो वर्टिकली काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और विंड का जो प्रेशर होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा थीटा एंगल पे, ठीक है, दोनों अगर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो ये हमारा फैक्टर आएगा थीटा एंगल पे, हमारा जो वेट है वो वहां पे शो होगा, ठीक है। अब टोटल वेट जो अगर हम निकालेंगे ये WT, तो WT क्या होगा, WT इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेट एंड दिस वेट, ठीक है, तो अंडर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो हम जस्ट यही कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कह रहा था मैं, प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास WT निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये WT आ जाएगा, तो ये हमारा अब एक्चुअल वेट होगा। ये पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? पर यूनिट लेंथ में करना इसलिए जरूरी है कि कई बार टावर के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो सकती है, कई बार 100 मीटर हो सकती है, कई बार 500 मीटर हो सकती है, कई बार 2 किलोमीटर हो सकती है, ठीक
यू नेवर नो उसके दो टायर के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस फिक्स कितनी होगी। बस समझ में आई सर? लेकिन लेकिन सर मामला तो यहाँ पे बर्फ और हवा का है और है? बर्फ किसी सरफेस पे इक्वल भी हो सकता है सर। जब हम विंड और आइस की बात करते हैं तो कंडक्टर पे हमारी बर्फ का जो वेट होगा वो हर स्टेट पे अनइक्वल होगा ना, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो फिर हमने इसे स्क्वायर करके क्यों लिया? किसको स्क्वायर करके लिया? ये रिजल्टेंट निकाला है सर, ये जो हमने तो ये हाँ दो, तो ये रिजल्टेंट हमने रिजल्टेंट है ये इसलिए निकाला है। ऐसा है जब इस पे कंडक्टर पे आइस का वेट, हम मान रहे हैं कि इस पे आइस का वेट डब्ल्यू आई है, ठीक है, और कंडक्टर का वेट डब्ल्यू है, तो टोटल जो वेट हो गया इस समय कंडक्टर का वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई होगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई वेट होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब सपोज 100 मीटर टावर के बीच में कंडक्टर लगा हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 के 100 मीटर पे बर्फ जमी हुई है, 100 के 100 मीटर पे बर्फ जमी हुई है। ऐसा नहीं है कि 10 मीटर पे जमी हुआ है फिर उसके बाद 10 मीटर पे बर्फ नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशंस आपको प्रीअज्यूम करनी पड़ेंगी। ये बात आप सही कह रहे हो कि हो सकता है कि कंडक्टर के किसी पोर्शन पे बर्फ ज्यादा हो किसी पोर्शन पे कम हो, ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन को आप एज्यूम कर लेंगे तो वो प्रैक्टिकल कंडीशन है जिस पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कभी भी आप प्रैक्टिकल चीजों पे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते बिल्कुल, आपको हमेशा कुछ चीजें उसमें एज्यूम करनी पड़ती हैं। आप हमेशा जब सर्किट पे एनालिसिस करते हो आप ये मान के चलते हो कि जो हमारे सर्किट है उसमें कितनी आई स्क्वायर आर आप लगा रहे हो, क्या वो आइडियल केस होता है ना? प्रैक्टिकल केस थोड़ी होता है, क्योंकि ना तो आप उसमें वोल्टेज का सोर्स का रेजिस्टेंस लेते हो ना करंट सोर्स का रेजिस्टेंस लेते हो, या कभी लेते हो? नहीं लेते। हम आइडियल केस को डिस्कस करते हैं, आइडियल केस को ही कैलकुलेट किया जा सकता है। जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सभी में आइडियल केसेस को ही कंसिडर किया जाता है। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली कई चीजें डिफरेंस होती हैं, वही चीज यहाँ पे बात हो रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पूरी लेंथ है हमारी, उस पूरी लेंथ पे जो आइस की लोडिंग है वो इक्वल है, इक्वल आइस जमा है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन फिर कैसे होगी बताओ आप मुझे। अभी मैं कैसे कह सकता हूँ कि 100 मीटर में 50 मीटर पे बर्फ है 50 मीटर पे नहीं है, या मैं कैसे कह दूं कि 48 मीटर पे है 52 मीटर पे नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी लेंथ है उस पर इक्वल आइस हमारी जमा हुआ है, ठीक। अब हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें कभी ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स हमारी कितनी है। कभी वो लेंथ ज्यादा हो सकती है, कभी हो सकता है कि वो लेंथ कम हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं कि पर यूनिट लेंथ उसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसको आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो 10 किलोमीटर की हो, चाहे फिर वो 2 किलोमीटर की हो, चाहे फिर वो 100 मीटर की हो। कोई कित करना ही क्या है? अगर 100 मीटर की है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किलोमीटर की है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही तो करना है। तो आप कितनी भी लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन को उसको अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जी सर। इसलिए हम उसको पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन हो आगे के लिए वो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। और हमेशा हमें मजबूरी है हमारी कि जब भी हम कोई कैलकुलेटिव काम करते हैं, कैलकुलेशन जहां पे कर रहे होते हैं वहां पे हमें कुछ एज्यूम्स करना पड़ता है, कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। यहां भी हम यही मान के चल रहे हैं कि देखो ये भी लिखा हुआ है, द फोर्स ड्यू टू विंड इज एज्यूम्ड हॉरिजॉन्टली। हमेशा विंड हॉरिजॉन्टली चले जरूरी थोड़ी है, कभी कभी विंड का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है। हम ये मान के चल रहे हैं, हम हर चीज को एज्यूम कर रहे हैं ताकि हम जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके नजदीक पहुंच जाए। एग्जैक्ट रिजल्ट को अचीव करना नेवर पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। एक्चुअल रिजल्ट आप निकाल दो कैलकुलेशन से, क्योंकि फिजिकल कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि फिजिकल कंडीशन हमेशा कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही ले रहे हैं कि जो पूरी लाइन है उस पे वो जो आइस है उसकी लोडिंग इक्वल है, ठीक है, आइडेंटिकल लोडिंग है हमारी पूरी लाइन पे, तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि जो विंड का प्रेशर है वो वर्टिकली ना होकर, सॉरी, हॉरिजॉन्टली हमारा प्रेशर विंड का आ रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक कॉम्पोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल है विंड का प्रेशर, और एक कॉम्पोनेंट हमारा आइस का जो वेट है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा एक्चुअल वेट होगा। तो ये जो वेट है, ये वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस, ये टोटल वेट हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका विंड का जो वेट है इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा उस कंडीशन में वेट आएगा जब विंड भी चल रही है साथ ही साथ आइस की भी लोडिंग है, ये तब होगा। अगर विंड नहीं है तो ये बिल्कुल वर्टिकली काम करेगा, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये थीटा भी जीरो आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब
हमें ये वेट हमने निकाल लिया। सर जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम एंगल भी तो कंसीडर करते हैं, तो एटलीस्ट हम दोनों के एंगल को भी तो कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एंगल को कंसीडर ही नहीं किया गया है। किसको सर? जब जब आपने टोटल, अरे मुझे ये बताओ मेरे भैया, इसके और इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री है। हाँ तो क्या रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही होता है जी। जी तो टू ए बी कॉस थीटा कितना है तुम्हारा? 90। कॉस 90 कितना होगा? जीरो। जीरो तो टू ए बी कॉस थीटा कितना हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? यस सर, यस सर। फिर ठीक है, अगर दो कंपोनेंट के बीच में एंगल कुछ और है तब आप उसमें फिर टू ए बी कॉस थीटा करते हो, नहीं तो अगर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से रेक्टेंगल पे है 90 डिग्री पे तब हम लेने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वेट आ जाता है कंडक्टर का, ठीक, पर यूनिट लेंथ हमने ले लिया। अब जो विंड ऑफ जो इसका वेट है, आइस का वेट ये निकालना है, तो वेट हमने ये भी पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ठीक है, पर यूनिट डेंसिटी ले रहे हैं आइस की और उसका वॉल्यूम ले रहे हैं। डेंसिटी हमने अभी कुछ भी नहीं माना हुआ, डेंसिटी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आइस की डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आइस जमा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी, अगर बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर स्नोफॉल कंटिन्यूस पड़ती रहे तो प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो एट दैट मोमेंट क्या डेंसिटी है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम इसको प्री अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली ये लिख रहे हैं डेंसिटी। यहाँ पे हमने एरिया निकाल दिया, पाई बाई फोर डी स्क्वायर बाई सॉरी पाई डी स्क्वायर बाई फोर करके निकालते हैं, तो d कितना है हमारे पास? d प्लस टू टी माइनस डी स्क्वायर। क्यों लिया? d प्लस टू टी, ठीक है, तो t ये हो गया टू टी हो गया, तो टोटल जो डायमीटर हो गया इस कंडक्टर का विद आइस लोडिंग ये कितना हो गया? d प्लस टू टी, तो d प्लस टू टी माइनस इस d का स्क्वायर, तो जो कंडक्टर का डायमीटर है इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे केवल आइस का वो मिलेगा, जो आइस का एरिया है, ठीक है, तो वो मैंने निकाला है। तो ये टोटल हो गया विद आइस और माइनस कंडक्टर का डायमीटर, तो ये मुझे किसका मिलेगा? आइस का डायमीटर मिल गया, ठीक है, आइस का एरिया मिल गया, इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है? 1, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करते ये मेरा क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इज द वेट ऑफ आइस। इस तरह से हम आइस का वेट कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना वेट होगा। विंड फोर्स को आप निकाल रहे हो, तो विंड फोर्स कितना हो जाएगा? विंड का प्रेशर इनटू जो हमारी डिस्टेंस है, कितने पोर्शन पे वो हमारी जो विंड है वो उस पर स्ट्राइक कर रही है, तो कितने पोर्शन पे स्ट्राइक कर रही है? ये हमारी, अगर ये हमारा टी है और ये हमारा अगर इस पे आइस लोडिंग है तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो डी प्लस टू टी पे आइस की लोडिंग हो रही है, सॉरी विंड का प्रेशर आ रहा है, वो कितने पा रहा है? डी प्लस टू टी पा रहा है, तो विंड प्रेशर इंटू डी प्लस टू टी इंटू 1 एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई डाउट है तो बता दो किसी को, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है, जब हम इफेक्ट निकाल रहे हैं विंड और आइस का बस इतना ही है। आगे बढ़े, ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहे तो सैग जो हमारा है, अब देखिए कंडक्टर हमारा क्या होगा, कंडक्टर हमारा इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो सैग होगा वो ये एंगल पे डिपेंड करेगा, तो हमारा जो एंगल होगा tan थीटा वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई tan थीटा निकल जाएगा, ठीक। दूसरा स्लेंट सैग निकालेंगे, तो स्लेंट सैग तो यही वाला होगा टोटल डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये टोटल जो है हमारा डब्ल्यू, इस वेट को लेंगे हम, तो स्लेंट सैग निकल जाएगा जो एक्चुअल सैग है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि वर्टिकल सैग क्या होगा, वर्टिकल सैग क्या होगा? इस वाले का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू टी कॉस थीटा या एस कॉस थीटा कह सकते हो, ये अगर एस है इस पे सैग तो इसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है एस कॉस थीटा, तो ये हमारा वर्टिकल सैग कहलाता है, जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस एस का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है, जिसको एक बार आपको रीड आउट करना होगा, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, वरना एक बार इसको पढ़ लेना, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का मेन पोर्शन कवर अप हो जाता है यहाँ पे, जिसमें हम सैग की बात कर रहे थे। अब एक दो टॉपिक रह जाते हैं, जैसे ये तो खैर चलो फैक्टर्स हैं कि क्या क्या होते हैं, स्पैन लेंथ होती है, टेम्परेचर होता है, विंड का प्रेशर होता है,
ट्रांसमिशन लाइन में टेंशन है, उसका वेट कितना, ये सारे फैक्टर हैं जो सैग को अफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी फैक्टर अगर चेंज होगा, ये वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, स्पैन लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ेगी तो सैग बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो सैग कम होगा, टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, विंड प्रेशर पे भी कम करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग भी बढ़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो सैग भी रिड्यूस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैग टेम्पलेट की। सैग टेम्पलेट क्या होती है बेसिकली? तो सैग टेम्पलेट एक पेपर वर्क है, जब हम चार्ट तैयार करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हर कंडीशन में कितना सैग हमारे कंडक्टर पे आ सकता है। ठीक है, कितनी क्लियरेंस हमें ग्राउंड से रखनी है, कितनी सेफ्टी के पर्पज से। ठीक है, और जो हमें टावर है वो किस हाइट पे लगाने हैं ताकि जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है वो प्रॉपर रहे, गर्मियों का टाइम आएगा तो सैग कितना आ जाएगा, सर्दियों का टाइम होगा तो सैग कितना हो सकता है, ये सारी कैलकुलेशन को हम पेपर वर्क पे जब करते हैं, उसका चार्ट तैयार करते हैं, तो उसको सैग टेम्पलेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सैग टेम्पलेट है। ठीक है, जिसमें हमने ये चार कर्व बना रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला है हॉट टेम्पलेट कर्व, ये वाला जो कर्व है, ये ब्लैक वाला, ये कर्व है हमारा हॉट कर्व। हॉट कर्व क्या होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, तब हम देखते हैं कि हमारा सैग कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, जब हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा एटमोसफेयर, तब हम देखते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कर्व, ये वाला जो कर्व है रेड वाला, ये है ग्राउंड क्लियरेंस कर्व, कि ग्राउंड से कितनी क्लियरेंस रखनी है ये वो बताता है। ठीक है, सपोर्ट फुट और टावर कर्व, जहाँ से हमने कंडक्टर को टाई किया है, ठीक है, जहाँ पे कंडक्टर हमारा बंधा हुआ है वहां से हमारा ये कर्व कितना आ रहा है, ये कर्व उसको बनाते हैं। और दूसरा है कोल्ड कर्व और अपलिफ्ट कर्व, यानी कि जब टेम्परेचर मिनिमम होगा तब ये कंडक्टर कितना होगा। तो देखो, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो सैग भी बढ़ गया, जब टेम्परेचर कम है तो सैग कम दिखाया जा रहा है। तो सैग को दिखाने के लिए टेम्पलेट का यूज किया जाता है। अब एक एक को डेफिनेशन वाइज पढ़ लो आप। कोल्ड क्या है? जब हमारा मिनिमम टेम्परेचर है तब कितना सैग होगा। हॉट में क्या होगा? या मैक्सिमम सैग कर्व, जब हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तब सैग कितना होगा। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस कर्व, ठीक है, ठीक है, जो हमारे डिस्टेंस उसके हिसाब से हम कितनी ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं, ये ग्राउंड क्लियरेंस कर्व बताता है आपका। और टावर फुटिंग कर्व जो है ये भी इसके पैरेलल में आता है, ये आपको ये बताएगा कि जो हमारे टावर है वहाँ पे कितनी डिस्टेंस में मिनिमम हम उसको जो कंडक्टर है टाई करके रख रहे हैं। तो ये तीन चार कर्व है जिसको मिला के हम ये पूरा सैग टेम्पलेट बना देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर ये स्पेसिंग और क्लियरेंस में डिफरेंस क्या है? स्पेसिंग और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल, जो अर्थ है हमारी ग्राउंड लेवल एंड कंडक्टर, वो कहलाती है हमारी ग्राउंड क्लियरेंस, ये वाली डिस्टेंस। और जो दिखाता हूँ, सपोज ये अगर हमारी ग्राउंड है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाती है ग्राउंड क्लियरेंस, कि ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस है। ये हमारी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया, ये वाली डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस का, ये होता है। क्योंकि हमें इसके लिए वोल्टेज लेवल देखा जाता है। ऐसा देखो, एक तो दो चीज हो गई, एक तो हम सैग को लेके चल रहे हैं कि सैग की वजह से कितना ऊपर नीचे हो सकती है हमारी वायर। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज ट्रांसमिशन है, जिस लेवल पर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, सपोज हम 33 केवी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 132 केवी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अब उस ट्रांसमिशन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उसका एरिया कितना है। ठीक है, वो कितने एरिया में, आपने कभी सुना होगा कि यार ये इतनी हैवी लाइन है कि इसके पास में जाओगे तो ये खींच लेगी, ये चीजें आपने कभी सुनी होंगी। यस सर। ठीक है, कि ये अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। तो वो बेसिकली है क्या कि वो उसका फील्ड है, कि ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। जब आप उस फील्ड में एंटर करोगे तो आपको बिना डायरेक्टली टच किए हुए भी करंट का एहसास होगा कि करंट लगा, जब आप उसके फील्ड में जाओगे, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस फील्ड की कैलकुलेशन करके चलते हैं कि भाई इतना ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारा हो रहा है और उसमें प्लस 10 मीटर करके 10 मीटर जो भी इनके नॉर्म्स होते हैं, जो रेगुलेशन है हमारा, जो स्टैंडर्ड है, उसमें हम प्लस 10 मीटर करके वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है 3 मीटर का है तो क्लियरेंस जो है वो 13 मीटर की दे दो। समझ, क्योंकि ये मान के चलते कोई बड़ी गाड़ी जा रही है नीचे से लाइन के, ट्रक जा रहे हैं, ठीक है, या कोई हैवी व्हीकल जा रहा है जिसकी हाइट ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि हाइट ज्यादा होने की वजह से उस फील्ड में जाने लगे। अगर ऐसा हो गया तो उस जो व्हीकल है उसमें करंट आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस में 10 मीटर प्लस जो उसका फील्ड है ये डिस्टेंस काउंट करके चलते हैं, तब हम ये ग्राउंड क्लियरेंस कर्व डिजाइन करते हैं कि कितनी हमें ग्राउंड से क्लियरेंस रखनी है। ठीक है, और स्पेसिंग,
का तो ये कि दो कंडक्टर के बीच में क्या स्पेसिंग रख रहे हैं वो उसको स्पेसिंग बोल देते हैं, स्पेसिंग और क्लियरेंस में यही सबसे बड़ा okay. है। ठीक है, यानी क्लियरेंस ग्राउंड से और कंडक्टर के बीच की दूरी हो गई, और कंडक्टर से कंडक्टर के बीच की दूरी, ये ग्राउंड क्लियरेंस किसके बेसिस पर देते हैं, कंडक्टर के बीच की दूरी, हां वो स्पेसिंग कहलाती है। क्लियरेंस का हम ये किस पे बेस्ड होती है, ये वोल्टेज ट्रांसमिशन पे बेस्ड होती है कि कितना हम वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज कम है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो भी कम होगा, ग्राउंड क्लियरेंस कम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी हैवी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा होगा, उसके लिए हमें क्लियरेंस ज्यादा रखनी पड़ेगी, टावर की हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखो जितनी ज्यादा ट्रांसमिशन, जितनी हैवी ट्रांसमिशन लाइन होगी उसके टावर उतने बड़े होते चले जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? ये चीज ऐसी है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो। अगर आपका ट्रांसमिशन लेवल कम है तो आप छोटे टावर पे काम चला सकते हो, पोल्स पे काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो फिर आप पोल से काम ही चलेगा, फिर आपको ऊंचे ऊंचे टावर बनाने पड़ते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना रखना है उसका। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा जिसपे मैं बहुत ज्यादा टाइम ही लगाऊंगा, वाइब्रेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, एक एवलिन वाइब्रेशन होते हैं, दूसरा गैलोपिंग होते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो एवलिन वाइब्रेशन होते हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, गैलोपिंग कम ही होते हैं, बताऊंगा एक रीजन क्या है। ठीक है, अब ये जो होता है वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा कि अगर ये वाइब्रेशंस आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो ये वायर को कहीं ना कहीं जहाँ पे जोड़ लग रहा होता है, जहाँ पे वायर आपकी फिक्स है, उस एंड पे जब वायर बार बार वाइब्रेट करेगी तो वहां पे क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगी, और जो उसके स्ट्रेंड्स हैं, जो वायर आपकी कई सारी वायर से मिलकर बनी हुई है, वो स्ट्रेंड्स धीरे धीरे टूटने का खतरा बन जाएगा अगर कंटिन्यूस वाइब्रेशन होंगे तो। ठीक है, एयर है, आप अगर एक हैवी आप एक हैवी कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है, वायर है या कुछ भी है, उसको दो पॉइंट्स के बीच में टाई कर दीजिए, ठीक है, और उसको छोड़ दीजिए, तो आपको महसूस होगा कि उसमें वाइब्रेशन होते हैं एयर की वजह से। जब एयर का फ्लो कम होता है तो एयर का प्रेशर कम ज्यादा होता है उसके ऊपर और नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेशन आपकी वायर को कहीं ना कहीं वीक बनाते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके लिए आप पढ़ लेना कि कितने कितने फ्रिक्वेंसी होती है, लो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है, ये कितनी स्पीड पे काम कर रहा है, 4 से 15 किलोमीटर पे काम कर रहा है, मैं आपको मेन वाइब्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो वाइब्रेशन जब होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी वायर को जो जहाँ पे वो ज्वाइंट हो रही है वहां पे उसको वीक करेंगे। तो इन वाइब्रेशंस को डैम्प करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए डैम्पर्स का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डैम्पर्स। ठीक है, एक तो एवलिन वाइब्रेशंस हो गए, दूसरा होता है गैलोपिंग या डेंसिंग ऑफ कंडक्टर जिसको हम बोल देते हैं। गैलोपिंग में क्या होता है कि जब आपका कंडक्टर सर्कुलर शेप का नहीं होता है, अगर उसकी शेप कुछ और है, सर्कुलर शेप का नहीं है, ट्रायंगुलर शेप है या कुछ फ्लैट शेप में अगर हुआ है, ये तब प्रोड्यूस होते हैं, और अगर ये एक बार प्रोड्यूस हो गए तो ये बढ़ते चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये आपका जो कंडक्टर ब्रेक हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर डायमीटर का कंडक्टर यूज करते हैं। तो ये वाइब्रेशन जनरली बहुत कम होते हैं, जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं वो एवलिन ही होते हैं। ठीक है, गैलोपिंग इसलिए बहुत कम आपको हो सकता है, कहीं पर पढ़ने को भी ना मिले। ठीक है, तो ये गैलोपिंग जो होते हैं ड्यू टू दी नॉन सर्कुलर जो सरफेस होती है कंडक्टर की, उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने का तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि राउंड कंडक्टर यूज करो, वो हम करते ही हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत कम हो जाते हैं। बात आई एवलिन की, तो उसके लिए हम ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर का यूज करते हैं, ये डैम्पर लगे होते हैं। तो जब ये वाइब्रेशन होते हैं ये अपने यहाँ पे इस पे डैम्प करते हैं, ये स्पेसिंग होती है, और ये ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाइब्रेशन सारे इसके थ्रू डैम्प हो जाते हैं। अब यहाँ तक वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो वाइब्रेशन नहीं आते, यहाँ पे वो स्मूथ हो जाते हैं, तो ये वाइब्रेशन को क्या करता है, डैम्प कर देता है। तो ये चीज आपको लगी हुई मिलेगी, आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन देख लो, हर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर भी इसी तरह से आपको लगा हुआ मिल जाएगा, कभी ध्यान देना। तो ये वाइब्रेशनल डैम्पर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और सर्कुलर, ये हमारी जगह कंडक्टर जो सर्फेस है वो सर्कुलर है, इससे हमारे गैलोपिंग जो वाइब्रेशन है वो नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये एवलिन जो वाइब्रेशन होते हैं उसको डैम्प करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डैम्पर्स। ठीक है, ये डैम्पर होते हैं जो वाइब्रेशन को डैम्प करते हैं, ताकि जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है कंडक्टर की वो बढ़ी रहे। ये इस यूनिट का इतना ही था, अब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे कल के दिन से। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। नो सर। ठीक है।